द ड्रैगन ब्लड फर्नेंस के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम किन्यूज सेक्ट को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का कह रहा होता है, तुम लोग मेरे मास्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उन्होंने पूछा कि सेक्ट के लिए काम किया, वो मर गया तो तुम्हें सेक्ट में दफन भी नहीं करने दे रहे। तभी उसके पास एक स्वॉर्ड आकर गिरती है और कोई उससे कहता है, अगर तुम अपने मास्टर को सेक्ट में दफन करवाना चाहते हो तो मुझसे फाइट करो इस स्वॉर्ड को उठा कर। और हम देखते हैं वो एक लड़की होती है जो कि किन्यू सेक्ट की इनर एल्डर होती है, वो कहती है स्वॉर्ड को उठाओ और मुझसे फ़ाइट करो, अगर तुम मुझसे फ़ाइट में जीत गए तो मैं जाने दूंगी और तुम्हारे मास्टर को भी सेक्ट में दफन करने दिया जाएगा। तभी कुछ लड़के कहते हैं इस चेंग फेंग अगर हमारे इनर एल्डर से फ़ाइट की तो ये पक्का मारा जाएगा, क्योंकि उसके मेरिडियन से ब्लॉक है, ऊपर से इसकी कल्टिवेशन लेवल भी बिल्कुल भी नहीं है। उनकी बातें पीछे खड़ा एक आदमी सुन रहा होता है जो कि उन सभी को धक्का मारते हुए आगे आता है और इनर एल्डर से कहता है, तुम इस लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, इसके पास बिल्कुल भी कल्टिवेशन नहीं है, अगर इसने तुमसे फाइट की तो ये पक्का मारा जाएगा, तुम्हें इस बात की पता है। तब इनर एल्डर से कहती है, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें पता है मैं इनर एल्डर हूँ और तुम आउटर एल्डर, तुम्हारी मेरे आगे बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, अगर तुम इस तरह मुझसे बात करे तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्लेस से हटा दूँगी। तभी आउटर एल्डर उसके आगे झुकता है, उसे ग्रीट करते हुए कहता है, तुम यान क्विंग ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी तुम्हें बचाते हुए, लेकिन तुम उन्हें सेक्टर में दफन भी नहीं करने दे रहे। तभी वो कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब है, हम उसका जो चाहे वो करें, वो वैसे भी बहुत बड़ा ठरक इंसान था, उसने मेरे साथ बहुत गलत करने की कोशिश की थी। इनर एल्डर की बातें सुनकर चेंग फेंग भी हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे मेरे मास्टर ने बचपन से पाला था और वो वैसे बिल्कुल भी नहीं थे और वो ऐसा कर ही नहीं सकते। तभी वो चेंग फेंग ये लाकर इनर एल्डर से कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम उनकी बुराई नहीं कर सकती। इनर एल्डर चेंग फेंग से कहती है, तुम अपने मास्टर की बात सुनकर तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन वो शुरू से ही बहुत बड़ा ठरक इंसान था। तभी चेंग फेंग अपने मास्टर की पुरानी यादों को सोच रहा होता है, जब उसके मास्टर ने उसे एक जेड पेंडेंट दिया था जो कि एक ब्लैक कलर का क्रिस्टल था, उसने कहा था कि तुम लाइफ एंड डेथ के बीच में फंसो तब इस क्रिस्टल का यूज़ करना। तभी चेंग फेंग उस क्रिस्टल को टच करता है, उसमें से बहुत डार्क एनर्जी निकलने लगती है, उसके आसपास घूमने लगती है, सारी की सारी चेंग फेंग के अंदर घुस जाती है। तभी चेंग फेंग की आंखों में से भी रेड और ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है, उसे देखकर ही दोनों एल्डर्स भी हैरान हो रहे होते हैं, चेंग फेंग के पास इतनी पावरफुल एनर्जी कहाँ से आई। चेंग फेंग फिर हम देखते हैं जो कि आसानी से खड़ा हुआ रह जाता है और वहाँ का माहौल भी बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी चेंग फेंग सांस से शॉर्ट को उठाता है और बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है इनर एल्डर के पास अटैक करने के लिए और कहता है, जो भी मेरे मास्टर की बदनामी करेगा या उनकी इंसल्ट करेगा मैं ऐसे जाकर वहीं मार दूंगा, और वो बड़े स्पीड के साथ आगे जाता है। तभी इनर एल्डर अपने बचाव के लिए आगे एक शील्ड बना लेती है, चेंग फेंग अपने अटैक से उस शील्ड को भी तोड़ देता है और अपनी शॉर्ट को बड़ी स्पीड के साथ इनर एल्डर के पास ले आता है। तभी आउटर एल्डर से चला कहता है, चेंग फेंग ऐसा मत करना वरना तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। तभी चेंग फेंग अपने शॉर्ट को इनर एल्डर के गले के पास और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। देखेंगे क्या चेंग फेंग इनर एल्डर को मार देगा, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए शुक्रिया।